चंदौसी के बॉर्डर के ओरछी चौराहे के पास एक कोल्ड स्टोरेज में लगभग शाम 7 बजे अमोनिया गैस का रिसाव से हड़कंप मच गया। 2 लोग बेहोश हो गए। वहीं रोड पर अफरा तफरी का माहौल हो गया, जिसकी वजह से जाम लग गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाया। चंदौसी बदायूं बॉर्डर के गांव परमानंदपुर के निकट एक कोल्ड स्टोरेज में बृहस्पतिवार की शाम लगभग 7 बजे अमोनिया गैस का रिसाव होने से चंदौसी बदायूं मार्ग पर जाम लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। अमोनिया गैस रिसाव इतना ज्यादा था कि वहां से गुजरना भी लोगों का दुश्वार हो गया। अमोनिया गैस रिसाव से मौके पर मौजूद 2 लोग बेहोश हो गए, जिन्हें आनंद फानंद में वहां से हटाया गया। गैस रिसाव की सूचना पर पहुंची चंदौसी फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर पानी की बौछार कर गैस पर काबू पाया। क्या नाम है आपका? मैं फायर सर्विस प्रभारी चंदौसी खुशनूर हुसैन। ये कल सूचना मिली थी अमोनिया गैस का रिसाव हुआ था किसी कोल्ड स्टोर में, क्या मामला था वो? ये जो है बदायूं क्षेत्र में पड़ता है ओरछी तराई के आगे ओम कोल्ड स्टोर, उसमें क्योंकि अब ये सीजन आ रहा है उसका कोल्ड स्टोर के में आलू रखने का, भंडार करने का, तो वहाँ से उसकी सफाई वगैरह चल रही थी, तो उसको मैकेनिक द्वारा उसके रिफिल वगैरह किया जा रहा था। उसी में गलती से जो मैकेनिक ठीक कर रहा था उसको, उससे ज़्यादा गैस खुल गई और गैस ज़्यादा खुलने से उसका दम घुटा तो वो भाग गया। इतने में दूसरा आदमी और दूसरे ने बंद करने की कोशिश करी तो उसने दूसरा वाल्व खोल दिया, उससे और ज़्यादा गैस रिसाव हो गई। यहाँ तक के उसमें पूरी कोल्ड स्टोर में से जितने आदमी थे वो सारे भाग गए, रोड पर चले गए और हवा की वजह से रोड तक गैस महसूस की जा रही थी। मेरे को यहाँ पे फायर सर्विस को सूचना मिली। कहाँ की फायर सर्विस? ये बदायूं की बाद में आई, मैं पहले पहुँचा। चंदौसी फायर सर्विस की सूचना दोनों जगहों को दी गई, बदायूं को भी दी गई और चंदौसी को भी दी गई। चंदौसी क्योंकि चंदौसी बदायूं क्यों दी गई? दोनों को इसलिए दी गई कि चंदौसी करीब में पड़ता है, बॉर्डर है और वो जहाँ उनका फायर स्टेशन है बदायूं का, वो तो काफ़ी दूर है वहाँ से। तो हम लोग दोनों वहाँ से चले तो हम पहले वहाँ पहुँच गए, जा कर के हमने अपनी गाड़ी से पंपिंग की। जो गैस रिसाव हो रहा था ऊपर जो उड़ रही थी, उस गैस को पानी में घोल करके उसको नष्ट किया। बाहर से अपने यहाँ संबल क्षेत्र का जो खाऊ साहू खानचंद कोल्ड स्टोर है वहाँ से एक मैकेनिक को बुलाया, मौसम गुप्ता और उनके 2-3-4 ऑपरेटर साथ में लेके आए। मैंने उसको गैस को पानी से नष्ट किया और साथ में उनके लगा रहा और उनसे वो बाल बंद कराने के बाद में बाकी सब कुशल है, कोई इंजरी वगैरह कुछ नहीं हुई है। नुकसान के बारे में जो है कि वो अभी जांच करने के बाद पता चलेगा क्या हुआ कैसे नहीं, लेकिन बाकी कोई जनहानि नहीं हुई है, कोई वैसी दुर्घटना नहीं हुई। और इसमें अगर समय रहते हम लोग अगर नहीं पहुंचते तो इसमें बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि मेन रोड उस फैक्ट्री के कोल्ड स्टोर के सामने से गुजर रहा था। अगर थोड़ी देर गैस और निकलती रहती तो वो जो उस रोड से गुजर हाईवे सारे ही हाईवे पे जो सारे ही वो बेहोश हो जाते और उसमें से कैजुअलिटी हो सकती थी, लेकिन ये ऊपर वाले का रहम है।